This call is now being recorded. Hello students, welcome to Avanti classes. My name is Raj Jaiswal and today we will discuss chemistry question of your chapter test, which code is SB80-2224. And the chapter is D and F block elements for NEET. बच्चों बात करें अगर इस चैप्टर की वेटेज की, इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो आपका 2020 में 5 क्वेश्चन आए हुए थे इस चैप्टर से, 2021 में 2 क्वेश्चन, 22 में 2 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन एंड 24 में लास्ट ईयर मतलब आपका 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप टोटल क्वेश्चन की बात करो जो पिछले पांच सालों में इस चैप्टर से पूछा गया है तो टोटल आपके बच्चों 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एवरेज आप अप्रोक्स 3 क्वेश्चन पर ईयर आते हैं, मतलब नीट में इसका वेटेज बच्चों बहुत ज्यादा है। आप देख भी सकते हो परसेंटेज में 6-7% वेटेज है नीट एग्जाम में इस चैप्टर का, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों जो आपका पेपर था उसमें केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 16 से आपके थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से थे। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीजन ऑफ लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन बताओ। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात कर रहा है, आओ देखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बच्चों हम जानते हैं क्या होता है, एस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पी, पी का ज्यादा है डी से और डी का ज्यादा है एफ से। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर किसका है, सबसे पुअर एफ का, ठीक है। एफ ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, सबसे पुअर है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो अट्रैक्शन क्या हो जाता है बच्चों, अट्रैक्शन अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है इट मीन्स अट्रैक्शन ज्यादा है। अब बताओ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, अट्रैक्शन अगर मान लीजिए ये तुम्हारा क्या है, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर होता है, ऐसे बाहर घूमते रहते हैं, तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा बताओ, साइज क्या होगा, रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम क्या देखे, हमने देखा कि भैया एफ का जो है, एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, जिसकी वजह से क्या होगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, और साइज डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो गया, साइज डिक्रीज कर रहा है ना, एक्सपेंड थोड़ी कर रहा है, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, एफ के पुअर शील्डिंग की वजह से, ठीक है। पुअर शील्डिंग को हम क्या लिख सकते हैं, पुअर शील्डिंग को हम लिख सकते हैं नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट बोलो या नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलो, बात सेम है। तो क्या होगा, 16 का आंसर क्या होगा, आपका फर्स्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन ही पढ़ लो यार, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप, अरे न्यूक्लियर चार्ज तो सबका बढ़ता है, पी ब्लॉक का ही बढ़ता है ना, नीचे जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। अगर न्यूक्लियर चार्ज ही पैरामीटर होता तब तो तुम्हारा सभी में कॉन्ट्रैक्शन दिखता, पी ब्लॉक में थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन आता है, नहीं आता है ना, इसका मतलब क्या, डिक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज नहीं, पीरियड में आप जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, एटॉमिक नंबर अगर मान लो तुम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं। तो 16 का आंसर क्या होगा, ए होगा। चलो अब आते हैं 17 क्या कह रहा है बच्चों, 17 कह रहा है द कॉमन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सो बाय ट्रांजिशन एलिमेंट इज प्लस टू। हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करता है, प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर सो करता है, बट एक एक्सेप्शन है, मिनिमम की बात कर रहे हैं, एक एक्सेप्शन है, क्या, कॉपर जो होता है, ये कॉपर किसमें आपको प्रेजेंट होता है, कॉपर प्लस वन में भी प्रेजेंट होता है, कॉपर टू प्लस में, तो कॉपर का मिनिमम क्या हुआ, कॉपर का मिनिमम हुआ प्लस वन। ये क्या कर रहा है, कॉमन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू करता है, एक मतलब इसमें से कौन एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन तो बस कॉपर ही है, कॉपर प्लस वन में जाता है, बाकी सब प्लस टू में जा, मतलब मिनिमम प्लस टू होता है, कॉपर का मिनिमम प्लस वन होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 17 का आंसर हो जाएगा आपका डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18, कह रहा है ए ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स हैज कॉन्फ़िगरेशन। एक्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 3D4 इन इट्स प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इट मींस क्या कहा, ये कहना चाह रहा है कि भैया देखो एक्स अगर 3 प्लस में है ना तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3D4 है अगर एक्स प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इट मींस एक्स अगर न्यूट्रल में चले जाएगा, एक्स अगर आपका न्यूट्रल में जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, न्यूट्रल में जाएगा मतलब तीन इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना, तो तीन इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या होगा 3D5 4H2 हो जाएगा। एक तुम्हारा डी में जाएगा, दो एस में जाएगा। यहाँ पे अगर आप पहले वाले में इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे फर्स्ट वाले में, तो देखो आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18 और ये 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए 22 इलेक्ट्रॉन थे। जब आप 3 ऐड करोगे प्लस 3 करोगे तो कितने बचे 25 इलेक्ट्रॉन हुए। और यहाँ पे भी तुम काउंट कर ही सकते हो, देखो ये 18 हुआ और ये 7 हुआ, 18 प्लस 7 क्या हुआ 25 हुआ। तो हमारा क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन हुए इन इट्स एटॉमिक नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं 25, और न्यूट्रल केस में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वही एटॉमिक नंबर होता है। न्यूट्रल केस में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो ये न्यूट्रल है एक्स, इलेक्ट्रॉन कितना 25, तो एटॉमिक नंबर कितना 25, तो 18 का आंसर क्या होगा बच्चों, 18 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट। क्या कह रहा है, नॉट रिप्रेजेंट मतलब ये कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये पूछ रहा है। चलो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, वैनेडियम टू प्लस है, क्रोमियम कितना है, क्रोमियम 2+ है, Mn आपका 2+ है, आयरन 2+ है। अगर सबका एटॉमिक नंबर लिखे तो बच्चों क्या होता है, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है, इसका 24, इसका 25, इसका 26। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे अगर 2+ में चला गया तो अभी सी बात है 2+ में गया तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया होगा। 2+ का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन कम, और दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से डिलीट हुआ होगा, दो इलेक्ट्रॉन 4s2 से डिलीट हो गया होगा, तो 4s2 को मत लिखना बाकी तुम लिख दो। तो इसमें इसके में अगर आप डी में इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो क्या होगा, अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सब में आर्गन आएगा, आर्गन तो सभी में कॉमन होगा, इसका क्या होगा 3d3 है ना, तो 3d3, 4 है तो 3d4, 5 है तो 3d5 और 6 है तो 3d6। ये कैसे लिख दिया भैया, ये कैसे हम बच्चों लिख दिए, ये 3d6 क्यों लिख दिए, अरे अगर 2+ में रहता है ना, याद रखना अगर 3D सीरीज में कोई मेटल है और उसका एटॉमिक नंबर मान लो 2n है, मतलब कुछ भी n होता है जैसे 21, 22, 23, और इसका अगर चार्ज 2+ हो तो जनरली क्या होता है, हम कैसे लिख देते हैं 3D और ये n है ना, तो n ही लिख देते हैं। एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन कौन से होते हैं, एक होता है क्रोमियम, एक होता है कॉपर, ये एक्सेप्शन में आ जाते हैं, बाकी सबके लिए तुम ऐसे कर सकते हो 3D एन कर सकते, ठीक है। अरे ये टू, एक सेकेंड बच्चों, ये क्या है, क्रोमियम है ना, अगर हम 2+ की बात कर रहे हैं तो वो तो दो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा रिमूव हो जाएगा। अगर आप बच्चों 2+ की बात करोगे तो ये एक्सेप्शन वाले जो होते हैं, एक्सेप्शन किसमें, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, क्रोमियम में जो बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है इसका मतलब क्या होगा, अगर आप इसका इसी लिखोगे 24 है तो इसी लिखोगे तो क्या लिखोगे 4s1 3d5, और इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, अगर इसी लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चों 4s1 3d10, यही लिखोगे। लेकिन अगर आप 2+, यहाँ पे हमने 2+ लिखा है ना, तो जब दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो एस का इलेक्ट्रॉन डिलीट हुआ और एक डी से जाएगा, एस का एक जाएगा एक डी से जाएगा, तो वही बचेगा, देखो ये 4 है ना तो 2+ में क्या आएगा D4 ही बचेगा, देखना ये 9 है ना तो 2+ में क्या बचेगा, देखो एक इधर से गया एक D10 से गया,
तो डी नाइन ही बचेगा। तो ये सबके लिए वैलिड है, कौन सा, कि जो एटॉमिक नंबर रहेगा ना अगर 2+ में है तो डी में उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, सेम इलेक्ट्रॉन। जैसे एटॉमिक नंबर अगर मान लो 2n है, ठीक है, तो डी में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 3dn। फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन 2+ में, अगर आपको पूछेगा 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 26 है ना, ये 26 है, 6 है, तो क्या लिखेंगे, 3d6 होगा। ठीक है, अगर कोई पूछे निकल, निकल 2+ में बताओ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो फेरस कोबाल्ट निकल 28 एटॉमिक नंबर होता है, फेरस कोबाल्ट होता है 27, निकल होता है 28, तो इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3d8। कैसे पता चला बच्चों, ये 8 है, 8 लिख, तो ये लो हमने लिख दिया सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3d3 है, 3d4 है, 3d5 है, 3d6 है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करोगे बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इसमें क्या हो गया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, इसमें 4 हुआ, इसमें 5 हुआ, लेकिन 3d6 में तुम ध्यान देना, 3d6 का मतलब क्या होता है, डी में तो 5 डब्बे होते हैं, डी में डब्बे की संख्या 5 होती है, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करो, अब 6th इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर हो जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, Mn में, तो पैरामैग्नेटिक सबसे ज्यादा किसका होगा, Mn का, बट ये पहले ऑप्शन में क्या दे दिया, आयरन का सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक, ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि Mn का होना चाहिए, अभी हमने देखा ना Mn क्या है, Mn में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, सबसे ज्यादा, तो ये रॉन्ग है और ये नॉट करेक्ट ही पूछ रहा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का ये हो जाएगा, ये रॉन्ग है। चलो और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड कह रहा है कि आयनिक साइज आपका इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट प्रॉपर्टी, यस इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो सबका एटॉमिक नंबर लिखो, Mn का क्या होता है एटॉमिक नंबर, Mn का होता है 25, ये 26 हुआ, फेरस कोबाल्ट 27 हुआ और ये हुआ 28। हमें पता है ना लेफ्ट से राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है, यस लेफ्ट से राइट जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज करता है, तो इस हिसाब से सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, 25 का, फिर 26 का, फिर 27 का, फिर 28 का, तो यही लिखा हुआ है, 25 का सबसे ज्यादा रेडियस है, फिर 26, 27, 28, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है और हमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा था, तो बी आपका नहीं होगा आंसर। फिर कह रहा है ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी कह रहा है ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, कौन कौन सा ऑप्शन है, Mn, Ti, वैनेडियम, क्रोमियम, क्या है, Mn था, ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन सी बात करोगे तो Mn था, Mn, Ti, वैनेडियम, क्रोमियम, यही था ना, देखो Mn, Ti, वैनेडियम, क्रोमियम, यस। अगर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर क्या है, Mn का होता है 25, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम क्या होता है 22, वैनेडियम 23 और ये हुआ 24। अगर आप Mn का इसी लिखोगे तो क्या होता है 3d5 4s2। अब ये 3d5 4s2 मतलब क्या हो गया, ये बना लिया आपका, ये क्या है, हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, हाफ फील्ड, और अगर कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है इसका मतलब ये स्टेबल है, स्टेबल है तो क्या बनेगा, ये आपका मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, स्टेबल है भाई तो मेटालिक बॉन्ड ये नहीं बनाएगा, ये पूर मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, नहीं होगा इसका। अब मेटालिक बॉन्ड जो नहीं बनाता है उसका क्या होता है, उसका आपने पढ़ा होगा कि जो मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाता है या जिसका मेटालिक बॉन्ड पुअर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, कम होता है, तो Mn का तो कम होगा क्योंकि ये क्या हो गया, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है मतलब, हाफ फील्ड का मतलब होता है ये स्टेबल है और ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो क्या ये मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, नहीं मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, और मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाएगा तो क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और मेटालिक बॉन्ड हमने पता है, मेटालिक बॉन्ड जो होता है, मेटालिक बॉन्ड जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो मेटालिक बॉन्ड ज्यादा। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम काउंट करो, टाइटेनियम में क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, d2 3d2, इसका क्या होगा, इसका होगा 3d3 और इसका होता है 3d5। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, इसमें तुम्हारा 5, इसमें 3
इसमें टू, तो अनपेयर्ड में सबसे ज्यादा किसमें, क्रोमियम में, इसलिए मेटालिक बॉन्ड किसमें ज्यादा, क्रोमियम में। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, क्रोमियम का, फिर वैनेडियम का, फिर टाइटेनियम, और सबसे लेस होगा Mn। तो क्या यही ऑर्डर दिया था क्या, हाँ यही था Mn Ti V Cr, तो ये भी करेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट पूछ रहा था, हमें नॉट पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। और कह रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ये भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो एटॉमिक नंबर चेक कर लो, स्कैंडियम क्या है, स्कैंडियम को जगह 21, 22, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 23 होता है, ये 24 हुआ, ये 25 हुआ। अब बता तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और आपको पता होगा कि Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक जाता है, प्लस 7 तक जाता है, KMnO4 सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट Mn शो करेगा प्लस 7 तक, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम इसका इसी लिखोगे तो क्या लिखते हो, 4s2 और 3d5, तो ये देखो ना 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा Mn का ही होगा, ठीक है, क्रोमियम प्लस 7 तक नहीं जा सकता। और सबसे कम किसका होगा, स्कैंडियम का होगा, स्कैंडियम में तो बस 3d1 और 4s2 है, कितने कहां तक जा सकता है स्कैंडियम, बस प्लस 3 तक जा सकता है, स्कैंडियम प्लस 3 तक जा सकता है, ये Mn प्लस 7 तक जा सकता है, तो इंक्रीज कर रहा है ना प्लस 3 से प्लस 7 तक, यस यही ऑर्डर होगा, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट पूछा था, तो कौन सा आंसर होगा, 19 का आंसर ए होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 20 कह रहा है वेन ए ब्राउन कंपाउंड, कोई एक ब्राउन कंपाउंड है ऑफ Mn जिसको ट्रीट कर रहे हो HCl के साथ। अब बताओ एक एक कंपाउंड है A और A का रिएक्शन तुम HCl के साथ कर रहे हो तो B बन रहा है, B में क्या होगा, कुछ क्लोरीन होगा, मतलब भाई जब HCl से रिएक्ट करा रहे हो A को तो B में डेफिनेटली क्या होगा, क्लोरीन आपको मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। द गैस B टेकन इन एक्सेस कह रहा है, ये जो B बनेगा इसको अगर एक्सेस इज टेकन इन एक्सेस रिएक्ट विद NH3, मतलब इसको अगर आप NH3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो एक एक्सप्लोसिव गैस बनेगा, ये कह रहा है एक एक्सप्लोसिव गैस आपका बनेगा, ठीक है। तो चलो और देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं, क्या B आपका SO2 हो सकता है क्या, बी एसओ टी कैसे होगा यार, तुम कुछ सोचो, ए क्या है, ए तो Mn वाला कोई कंपाउंड है, अगर Mn वाले किसी कंपाउंड को HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, ए सल्फर कहां से आएगा, सल्फर के आने की तो कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है, ठीक है SO2, और अगर मान लो फिर क्या है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, फिर कह रहा है ये बी बी ऑप्शन, अगर मान लो Mn का रिएक्शन तुम कराओगे HCl के साथ, देखो मेन बात है यहाँ पे HCl है ना, तो क्लोरीन HCl का क्लोरीन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बाकी ये वाटर, ये बोला वाटर रिएक्ट कर दे, वाटर मिलेगा, चलो मान लेते हैं एक सेकंड के लिए वाटर आपको मिल भी जाए, C जो बनेगा वो एक्सप्लोसिव होना चाहिए, नहीं ये एक्सप्लोसिव होना चाहिए, और B वाटर कैसे यार, क्लोरीन है तो क्लोरीन बनाना, वाटर भी, ठीक है। अगर ऑप्शन बी पे तुम जाओगे तो चलो ये देखो ये सही है, बी क्लोरीन मिल रहा है, बहुत सही बात, लेकिन सी जो प्रोडक्ट बोल रहा है, सी बोल रहा है एक्सप्लोसिव होना चाहिए, अरे ये तो सॉल्ट है ना NH4Cl, ये सॉल्ट है तो ये एक्सप्लोसिव हुआ नहीं, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो कौन सा बचा, बचा यही बी Cl2 हो गया और ये एक्सप्लोसिव NCl3 हो गया, तो ये करेक्ट हो सकता है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, यस ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है, क्या ये करेक्ट है या नहीं है, अभी हम चेक कर लेते हैं, क्या कह रहा है Mn, ए जो है Mn का कोई कंपाउंड है, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दे रखा है Mn, तो हम मान लेते हैं ए क्या है MnO2, MnO2 क्या है ए है, और इसका रिएक्शन क्या कर रहा है HCl के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो इसका रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे, MnO2 का रिएक्शन जब आप HCl के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, तो हमें पता है ये वहां पे बनेगा Cl2, और क्या बना जाएगा MnCl के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा MnCl2 बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन बचा ये ऑक्सीजन बचा दोनों मिलके क्या बन जाएंगे वाटर,
अगर इसको आप बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस करो तो दो यहाँ पे फोर से मल्टीप्लाई कर दे और वाटर के पास दो से। तो ये ए था, ये क्या बन गया कि आपका बी बन गया, सीएल टू क्या हो गया, बी बन गया। अब ये जो बी है सीएल टू, इसका रिएक्शन करा दिया जाए एनएच थ्री के साथ, ये आपका बी था सीएल टू, और बी क्या बोल रहा है, बी आपको दे रखा है ना एक्सेस में है, व्हेन बी इज टेकन एक्सेस, यानी कि ये एक्सेस में है। सीएल टू अगर एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा, एनसीएल थ्री, और साथ में क्या बन जाएगा, एच सी एल। बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्री लिखो और यहाँ पे भी थ्री लिखो, बैलेंस हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका सी बन गया जो कि एक्सप्लोसिव है। तो देखो हमारा प्रोडक्ट यही हुआ ना, ए तुम्हारा क्या हो गया, ए तुम्हारा MnO2 हुआ, बी तुम्हारा सीएल टू हुआ, और सी आपका एनसीएल थ्री हुआ, और ये सारे कंडीशन को फॉलो भी कर रहा है। यही कह रहा था ना, ए Mn का कोई कंपाउंड है, HCl से रिएक्ट करा है तो बी बना, बी कौन क्या बना, सीएल टू, और सीएल टू बना, और जब इसको एक्सेस में लेके रिएक्ट कराओगे एनएच थ्री के साथ तो एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनेगा जिसका नाम हो जाएगा एनसीएल थ्री। तो 20 क्या होगा, 20 का आपका आंसर ए हो गया। ठीक है, अब आते हैं 21 पे। कह रहा है सीरियम जो है इसका एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है, इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ लेंथ हैलाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीरियम इज इनकरेक्ट। ये कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात कर रहा है, ऑप्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन पता, स्टेट पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसी लिखना होगा सीरियम का एटॉमिक नंबर क्या दे रहा है, 58। अगर आप इसका इसी लिखोगे तो क्या लिखोगे, जीनॉन, और जीनॉन के बाद क्या हो गया, जीनॉन मतलब 54 हमने लिख दिया, जीनॉन का एटॉमिक नंबर 54 है तो 54 लिख दिया। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है 4F1, फिर क्या होता है 5D1, और फिर क्या होता है 6S2। अब बताओ सीरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 हो सकता है कि नहीं, हाँ भाई प्लस 4 हो सकता है। और ये क्या है, लैंथनाइड सीरीज है, हमें पता है लैंथनाइड सीरीज प्लस 3 में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो प्लस 3 भी हो सकता है प्लस 4 भी हो सकता है। आओ अब ऑप्शन चेक करते हैं, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज प्लस 3 एंड प्लस 4, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट चाहिए, हमें इनकरेक्ट चाहिए। ठीक है, सीरियम प्लस 4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ प्लस 4 से सीरियम क्या होगा, सीरियम प्लस 4 से प्लस 3 में जाना चाहेगा, तो प्लस 4 से प्लस 3 में जाना चाहेगा तो क्या होगा, वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा, क्यों, क्योंकि वो खुद का रिडक्शन करा रहा है, तो ये भी सही है। कह रहा है प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज नॉट नोन, नहीं अभी तो देखा ना सीरियम क्या होता है प्लस 4 में मिलता है, ये रॉन्ग है और हमें रॉन्ग ही चाहिए था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा। डी क्या कर रहा है, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज मोर स्टेबल देन प्लस 4, हाँ हमने पढ़ा है लैंथनाइड सीरीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, प्लस 3 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो 21 का डी भी सही है, आंसर क्या हो गया, रॉन्ग पूछ रहा था, 21 का रॉन्ग कौन है, सी। चलो अब आते हैं 22 पे। 22 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज नॉट कलर्ड, नॉट कलर्ड पूछ रहा है, हमें पता, आपको पता होना चाहिए क्या, अगर डी में 0 है या डी में 10 है तो कलर्स हो नहीं करेगा। तो चलो चेक करते हैं किसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, या ये क्या है, कॉपर टू प्लस में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d9, डी में 9 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कलर्स हो करेगा। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 होता है, इसका 22 होता है और इसका 21 होता है, तो 23 था तो ये क्या हो गया, अभी 2 प्लस वाला हमने देखा था ना, इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 3d3, ये क्या है 22 है और 3 प्लस है, टाइटेनियम 3 प्लस में क्या होगा कॉन्फिगरेशन, 3d1, और ये स्कैंडियम 3 प्लस है यानी कि 3d0, 21 है ना, 3 प्लस हो गया तो क्या हो गया आपका 3d0, यानी कि ये कलर शो आपका नहीं करेगा, कौन शो नहीं करेगा, स्कैंडियम। आंसर क्या होगा, 22 आंसर होगा सी, 22 का हो गया आपका सी हो गया। ठीक है, चलो और 23 पे आते हैं। कह रहा है ट्रांजिशन मेटल आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, हाँ ट्रांजिशन मेटल को
कहीं हम कैटलिस्ट बनाते हैं ना, आयरन कैटलिस्ट बनता है, पता है ना आयरन का, एमओ का, तो हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल का कैटलिस्ट के तौर पे आप यूज कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं? ट्रांजिशन मेटल का कैटलिस्ट क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसका क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन पार्शियली फिल्ड होता है, डी आपका पार्शियली फिल्ड होता है। हाँ ये सही है, डी पार्शियली फिल्ड होता है। फिर क्या करें, लार्ज सरफेस एरिया। हाँ डी का क्या होता है, पता है ना मेटल, डी डी ब्लॉक में क्या होता है जनरली, क्या है डी ब्लॉक के एलिमेंट एक मेटल है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल क्या है, दो नाम ही है ट्रांजिशन मेटल, ये सारे मेटल है। तो मेटल है जैसे मान लो गोल्ड, गोल्ड गोल्ड को आप पीट पीट के उसका वायर बनाते हो ना, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। तो क्या होगा, डी ब्लॉक का सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये दोनों कारण है ना, पार्शियली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन एंड लार्ज सरफेस एरिया, उनका सरफेस एरिया ज्यादा है ना, इसी की वजह से क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल को क्या करते हैं, हम एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो 23 का क्या होगा, 23 का आपका हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। मेलिबिलिटी डक्टिलिटी इनसे कोई मतलब नहीं होगा, मेन हमारा क्या होगा, मेन आपका रीजन यही है, पार्शियली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन, डी का इलेक्ट्रॉन पार्शियली फिल होता है, जिसके वजह से वो कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करता है, और सरफेस एरिया भी क्या होता है इनका, ज्यादा होता है। फिर कह रहा है द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट इज शोन बाय द ट्रांजिशन मेटल आयन विद द कॉन्फिगरेशन। कह रहा है हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट कौन सा शो करेगा, तो जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू फोर मैग्नीट्यूड, ये होता है, वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा उसका क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होता है। तो चलो देखते हैं किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये डी टू है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, टू। ये फाइव है, इट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, फाइव। ये सेवन है, सेवन का मतलब समझे, डी में कितने डब्बे होते हैं, पांच ही डब्बे होते हैं ना, और ये सेवन है, पांच डब्बे होते हैं, सेवन है, दो। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, थ्री हुए ना, तो इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या थ्री हो गई। और ये डी नाइन है, डी नाइन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वन होगा, देखो डी नाइन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वन होगा। ये देखो फाइव किया, सिक्स सेवन एट नाइन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वन। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, थ्री डी फाइव में, तो हाईएस्ट मैग्नेट मोमेंट क्या होगा, बी। अगर वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइव है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, आप सॉल्व करोगे तो 5.9 होगा। आप चाहो तो सॉल्व करके आप देखना क्या होगा, रूट अंडर देखो 5 इंटू 5 प्लस 2 यानी कि 7 क्या होगा, रूट अंडर 35, अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, 5.9, क्योंकि अगर 6 36 रहता तो 6 होता। आप चाहो तो बच्चों एक ट्रिक ध्यान रख सकते हो, क्या ट्रिक है हमारा, ध्यान देना इधर, हमारा ट्रिक ये रहेगा कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बच्चों याद रखना आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1 रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 1.7। अगर 2 रहेगा तो क्या होगा, 2.8। 1 रहेगा तो 1.7, 2 रहेगा तो 2.8, 3 होता है तो बच्चों 3.9, 4 होगा तो 4.9, 5 होगा तो 5.9, मतलब 3 से लेके 5 तक क्या होगा, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही 0.9 कर देना, 2 में 2.8, 1 में 1.7, ठीक है। तो आप याद रखना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1 होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.7, 2 होगा तो 2.8, 3 होगा बच्चों तो 3.9, 4 होगा तो 4.9, 5 होगा तो 5.9। और ये कहां से बच्चों मैंने लिखा है, ये हमने लिखा है इस फॉर्मूले से, मैग्नेटिक मोमेंट का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू, ठीक है, वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। चलो फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, डायमैग्नेटिक का मतलब होता है बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, जीरो। डायमैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए बच्चों, जीरो होनी चाहिए। तो आप देखते हैं कॉपर टू प्लस, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, काम करते हैं बच्चों हम सबका एटोमिक नंबर ले लेते हैं, क्या करते हैं सभी का एटोमिक नंबर लिखते हैं। तो कॉपर का एटोमिक नंबर क्या होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 29 होता है ना, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 29। फिर क्या है, जिंक का होता है 30,
कोबाल्ट, फेरस का 26, इसका 27 और निकल 28, ठीक है। तो ये इसका आपका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, 3D9 होगा, ये 8 है तो ये देखा था ना, 8 है तो 3D8, तब में 2+ है, ये 0 है तो यानी कि 3D10, और ये 2+ में 7 है तो क्या हो जाएगा 3D7। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो, ये तो 3D10 हो गया ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा क्या? नहीं, D10 का मतलब क्या हो गया, ये D के पांचों डब्बे कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो ये क्या होगा, ये आपका डायमैग्नेटिक होगा। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर होगा बच्चों बी होगा, क्या होगा बी, ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। बाकी सब में आपका पैरामैग्नेटिक होगा। देखो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन संख्या 1 होगा, ये D8 है, यानी कि D8 का मतलब क्या होगा, पांच डब्बे होते हैं, पांच डब्बे होते हैं, सब में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके फिल करो, पांच हुआ 6 7 8, 8 हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने हुए इसमें, हो गए आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। यहाँ पे कितना हुआ, 7 है तो पहले तो 5 एक एक करके फिल करोगे, फिर 2 फिल होगा, बच कितने जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 बच जाएंगे। चलो तो 25 का आंसर हो गया बी। अब नेक्स्ट चलते हैं 26, कह रहे 26 कह रहा है ट्रांजिशन मेटल एग्जिस्ट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कह रहा है बच्चों अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का हाईएस्ट हो जाए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का हाईएस्ट होगा तो वो क्या करेगा, वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर सकता है। अगर कोई, अगर मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का मान लो एन प्लस में है, तो एन प्लस से, और ये इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये फर्दर आगे नहीं जा सकता, ये डिक्रीज कर सकता है अपना, ये प्लस डिक्रीज करके न्यूट्रल जरूर हो सकता है, यानी कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम रहता है तो क्या, कौन सा एजेंट की तरह, ये खुद का क्या कर रहा है, खुद का ये क्या कर रहा है बच्चों, रिडक्शन कर रहा है। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कम कर सकता है, और जो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कम करता है, खुद का जो रिडक्शन करता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 26 का आंसर क्या होगा, क्या होगा 26 का आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 26 का आंसर क्या होगा सी। क्या का क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक ट्रांजिशन मेटल है जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो किसके तरफ बिहेव करेगा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है तो वो खुद को रिड्यूस करेगा, क्योंकि खुद को रिड्यूस कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है, ठीक है। जैसे Mn, मान लीजिए Mn है, Mn अगर +7 में है, KMnO4 में Mn +7 में है, तो खुद का क्या कर सकता है, Mn +7 से 2+ में आ सकता है, खुद को क्या किया रिडक्शन किया, इट मींस ये कौन सा एजेंट की तरफ बिहेव करता है, +7 वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है। और आपको पता भी होगा KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो 26 हो गया, अब आते हैं 27। कह रहा था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe2+ ऑफ Fe2+ आयन इज, अभी हमने देखा था ना मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस एन इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन, यही मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। और एक हमने ट्रिक भी देखा था, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हुई तो मैग्नेटिक मोमेंट का म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.7, अगर 2 हुआ तो 2.8, 3 हुआ तो 3.9, 4 हुआ तो 4.9, 5 हुआ तो 5.9। अब ये आयरन का पूछ रहा है, आयरन का मैग्नेटिक मोमेंट, आयरन का जब आप इसी लिखोगे, एटॉमिक नंबर 26 होता है, इसी लिखोगे 2+ में है तो क्या होगा, आर्गन 3D6 होगा। 3D6 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3D6 का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 3D6 का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई। कैसे 4 हो गई, अगर इसका डब्बा बनाओगे, डी में कितने डब्बे होते हैं, 5 डब्बे होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 1 2 3 4 5 डब्बे होते हैं ना, एक और डब्बे 5, और 6th इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 6th इलेक्ट्रॉन आपका पेयर हो गया, बचा कितना 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, 4.9। 4.9 को अप्रोक्स में क्या लिख सकते हो, अप्रोक्स में लिख सकते हो 5, और ये अप्रोक्स में ही पूछ रहा है तो क्या होगा 5 होगा, 4.9 क्या हो गया 5 के। तो 27 का बच्चों क्या हो गया आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों 28। 28 कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट जेड इज इक्वल टू 24। जेड क्या होता है, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक
अगर जिसके एटॉमिक नंबर 24 है वो कौन सा एलिमेंट है? वो होता है क्रोमियम। हमें पता है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 24। और क्रोमियम का इसी क्या लिखते हैं? क्रोमियम का इसी लिखते हैं आर्गन। ये एक तरह से हम एक्सेप्शन के तौर पे हम ध्यान रखते हैं, 24 है। आर्गन क्या लिखोगे? इसको पहले हाफ फिल बनाओगे 3D5, और फिर क्या लिखते हो? 4S1 लिखते हैं। 3D सीरीज में कौन कौन से एक्सेप्शन आते हैं? एक होता है क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, और एक होता है कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 25 है। क्रोमियम का इसी क्या लिखते हैं? आर्गन, 3D5, 4S1। और इसका क्या लिखते हैं? आर्गन, 3D10, 4S1। ऐसा क्यों करते हैं? ये हो गया हाफ फिल्ड, और ये क्या हो गया? फुल फिल्ड। ये फुल फिल्ड और ये हाफ फिल्ड। तो फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए, एक्चुअली फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड क्या होता है? फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए ये क्या करता है? एक्सेप्शन शो करता है अपना। ईसी क्या करता है? 3D5 और 4S1 करता है, और ये 3D10 4S1 करता है। तो एटॉमिक नंबर क्या है? 24, यानी कि क्रोमियम। और क्रोमियम का इसी क्या होगा? 3D5 4S1। आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर होगा बी। 28 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 29। 29 कह रहा है इन अ ट्रांजिशन सीरीज, एक ट्रांजिशन सीरीज में अगर विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो पैरामैग्नेटिक के बारे में बताओ। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पूछा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ, अगर ट्रांजिशन सीरीज में आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? देखो ट्रांजिशन सीरीज मतलब क्या हो गया? स्कैंडियम, स्कैंडियम टू जिंक, ठीक है। अब बताओ स्कैंडियम का क्या होता है? स्कैंडियम का इसी लिखते हैं, तो 3D1 होता है, इसका होता है 3D10 होता है, यही होता है। 3D1 से कहा गया 3D10, बीच में कोई कहीं Mn होगा, Mn 25 जिसका एटॉमिक नंबर है, और इसका इसी क्या होता है? 3D5 होता है। तो बताओ स्टार्टिंग में स्कैंडियम से Mn तक गए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? D1 से D2, D3, D4, D5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है यानी कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर स्टार्टिंग में इंक्रीज किया, लेकिन जैसे ही तुम D5 से D10 की तरफ जाओगे तो पेयरिंग बढ़ते जाएगा। D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, क्योंकि एक पेयर हो गया। अभी हमने आयरन का एग्जाम्पल देखा था। D7 में क्या होगा? D8 में क्या होगा? D9 में क्या होगा? D7 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होंगी? 3। D8 में क्या होगा? 2। D9 में क्या होगा? 1। और D10 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 0। एक एग्जांपल के तौर पे देख लो, D8 का मैंने क्या लिखा? 2 होगा। D8 का कैसे 2 होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? देखो D8 है, कितने डब्बे बनेंगे? 5। 8 है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे? 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? D8 के केस में 2 हुआ, ठीक है। तो देख लो यही लिखा हुआ है ना, 2। तो स्टार्टिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D5 तक इंक्रीज कर रहा है, D5 तक इंक्रीज कर रहा है, और फिर तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है। तो पहले पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ेगा और फिर उसके बाद में आपका डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ग्रेजुअली इंक्रीज, नहीं हमेशा इंक्रीज नहीं करेगा, पहले इंक्रीज करेगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, फिर डिक्रीज करेगा। ये कह रहा है डिक्रीज नहीं, हमेशा डिक्रीज भी नहीं करेगा, फर्स्ट इंक्रीज और रीच करेगा मैक्सिमम तक और उसके बाद डिक्रीज करेगा। हाँ ये सही है, फर्स्ट डिक्रीज टू ए मिनिमम, नहीं पहले डिक्रीज थोड़ी करता है, पहले इंक्रीज करता है फिर जाके डिक्रीज करता है। स्टार्टिंग में देख रहे हो इंक्रीज करता है, स्टार्टिंग में इंक्रीज करता है। तो 29 क्या होगा बच्चों? 29 का आंसर होगा आपका सी। अब आते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा है। Ni2+, Ni2+ मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन? देखो हमने निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 28। हमने पढ़ा था ना, जब एटॉमिक नंबर 20 मतलब कुछ भी एटॉमिक नंबर आपका कुछ भी हो, ठीक है। और अगर 2+ चार्ज होता है, और 3D सीरीज की बात करें तो जो ये लास्ट में 8 है ना, वही उसका डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, यानी कि डी में ये 8 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3D8 होगा। 3D8 हुआ मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? D8 का अभी जस्ट हमने बताया था, फिर से लिखते रहो। D8 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए?
अनपेयर टर्म की संख्या क्या हो गई, टू हो गई। और ये मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पूछ रहा है, हमने पढ़ा अभी जस्ट, अभी हमने एक ट्रिक देखा था ना, अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना और अनपेयर टर्म टू है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2.8 होगा, 2.8 होगा, ठीक है। और अगर फॉर्मूला से अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू डीएम, एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू टू है, तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर टू इंटू टू प्लस टू डीएम, क्या हुआ, टू इंटू टू प्लस टू यानी कि फोर, फोर टू जा एट, रूट एट बोल मैग्नीट्यूड आंसर हो जाएगा। और रूट एट का वैल्यू अगर आप अप्रोक्स में निकालोगे तो 2.9 ही आएगा, 2.8 मान लेंगे, ठीक है। अरे आप ऐसे ट्रिक की ध्यान रखना, 1 रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.7, 2 रहेगा तो 2.8, 3 होगा तो 3.9, 4 होगा तो 4.9, 5 होगा तो 5.9, और 6 होगा तो 6.9, नहीं 6 होने का मतलब होता है, अरे 6 होगा तो वो डब्बा क्या होगा, फिर से पेयर्ड हो जाएगा, फिर से आपका पेयर हो जाएगा ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ क्या मेरा कहने का मतलब है, अगर मान लो 3D6 है, 3D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 4 ही होता है, और 4 का क्या होता है, अभी हम देखा ना 4 का होता है 4.9, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट 8, क्या होगा बच्चों आपका आंसर, रूट 8। तो इसी के साथ आपके जो टेस्ट सीरीज थे, जो टेस्ट कोड था, कौन सा टेस्ट कोड था आपका, टेस्ट कोड SB8022-24 के केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाय, थैंक यू।